Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aishi Joshi and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So here today is 20th June and we are going to discuss today's the Hindu news analysis. So the first news is no outsiders on Indian territory, said PM. Basically it is all about LAC, what has happened by the last few days, and about this the PM said that no outsiders are on Indian territory and we are not here to tolerate anything like this. Okay, no border post was occupied, and here somewhere the China lays claim to entire Galwan Valley. Basically what had happened, let me know you. PM ने बताया हमें कि Indian territory जो है वहाँ पर कोई भी outsiders नहीं हैं Indian territory पर, and they are not allowed even. आपको बता दूँ कि गलवान जो एरिया है, वैली है, उस वैली के अंदर इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बीच में काफ़ी दिनों से मुठभेड़ चल रहा था, और उसी एग्रेसिवनेस के चलते पिछले दिनों 20 जवानों की जो है हत्या कर दी गई है, या हम कह सकते हैं शहीद हुए हैं 20 जवान. और इस सारे घटनाक्रम के तहत काफ़ी अपोजिशन ले लीजिए, या काफ़ी सारे जो है मेंबर्स ले लीजिए, या इवन इंडियन पॉपुलेशन का भी ये कहना था कि इस तरह के घटनाक्रम का हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा. बिकॉज एंड व्हाट इज़ गवर्नमेंट डूइंग, बिकॉज समवेयर 20 लाइव्स ऑफ सोल्जर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इंक्लूडिंग अ कर्नल. ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट इट. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे टोल्ड एंड all party meet called by him that no outsider was inside Indian territory in Ladakh, nor had any border post for the Indian army been captured by outside forces. एक मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे को मीटिंग के दौरान पार्टी के सभी लोगों से, सारी पार्टीज के लोगों से मीटिंग की, सारी पार्टीज़ के मेंबर्स से, और उन्हें ये कहा कि कोई भी जो है पर्सन आउटसाइडर जो है वो इंडिया की टेरिटरी पर अवेलेबल नहीं था. और ये जो बॉर्डर पर जो कुछ भी हुआ है वो घटनाक्रम जो है वो आपसी मुठभेड़ के चलते हुआ है. मतलब वहाँ पे जो है आपस में कुछ मुठभेड़ हो गई थी, या हम कह सकते हैं आपस में कुछ तनातनी के चलते जो है दोनों पार्टीज़, दोनों कंट्रीज़ की ट्रूप्स के बीच में ये घटनाक्रम हुआ, और उसके चलते हमें अपने भारतीय सैनिकों को गंवाना पड़ा. लेकिन हम इसका पूरी तरीके से जवाब देंगे, वी डोंट हैव टू गेट वरीड अबाउट इट. और हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम ऐसे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करें जिसमें इस तरह का कोई घटनाक्रम, जान माल की हानि हमें ना हो. यही इसी बीच में चाइना ने ऐसा क्लेम किया है कि गलवान वैली वाला जो एरिया है, गलवान वैली का पूरा जो एरिया है, पूरा क्षेत्र जो है वो चाइनीज़ टेरिटरी के अंदर आता है, चाइना के अंदर आता है, और ये पूरा क्षेत्र हमारा ही है, ऐसा चाइना का कहना है. लेट्स सी कि हमारे मिनिस्टर्स और अदर जो मेंबर्स हैं वो क्या जवाब देते हैं इस बारे में, यह आने वाले टाइम में पता चलेगा. सो लेट्स टेक द नेक्स्ट वन. सिंधिया दिग्विजय पोस्ट इजी राज्यसभा पोल विक्ट्रीज. मैं आपको बता देती हूँ, राज्यसभा के अंदर राज्यसभा इलेक्शंस हो चुके हैं, और उसकी पोल विक्ट्रीज के चलते सिंधिया और दिग्विजय जी जो हैं उन्होंने जीती है सीट को. ऑल फोर सीट्स इन आंध्र प्रदेश जो है YSRCP द्वारा जीती गई हैं. लेट मी नो यू. फॉर्मर कांग्रेस MP ज्योतिरादित्य सिंधिया हु joined the BJP earlier this year, Congress leader Digvijay Singh and former Jharkhand Chief Minister Shibu Soren, ये लोग जो हैं 19 राज्यसभा सीटों के अंदर विजय रहे हैं फ्राइडे को. These included 18 seats for which elections were due in March but were deferred due the lockdown. Lockdown के चलते मार्च में होने वाले जो elections हैं वो अभी हुए हैं, और उसके चलते ये जो पूरा statement मैंने आपको बताया कि कौन कौन जीता है कौन नहीं, ये सारी seats decide की गई है. All four seats of the grabs, seats up for the grab in आंध्र प्रदेश वर वॉन बाय द रूलिंग YSRCP, रूलिंग पार्टी जो है उसके द्वारा 4 सीटें आंध्र प्रदेश में पूरी तरीके से उनके द्वारा ओवरकम की गई. टेकिंग द पार्टी स्ट्रेंथ इन द अपर हाउस फ्रॉम द 2 to 6. ओके, सो हियर हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा इलेक्शन पूरा कंसिडर किया गया.
ऑफ द थ्री सीट्स दैट वेंट टू द पोल्स इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो तीन जो पोल्स हुए उसके अंदर जो तीन सीट हैं वो मिस्टर सिंधिया, समर सिंह सोलंकी एंड या इन दोनों द्वारा जीती गई, और जो दोनों ही बीजेपी के हैं, 56 एंड 55 वोट से इन्होंने इसे जीता है. ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट राज्यसभा इलेक्शंस जो कि रिसेंटली अभी हुए हैं, पोल्स हुए हैं, और उसके चलते काफ़ी अच्छा जो है नतीजा देखने को मिला है. द नेक्स्ट इज 8 मिलिटेंट्स किल्ड इन 2 गन फाइट्स इन जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर में जो है गोलीबारी के चलते, गन फाइट्स के चलते 2 गन फाइट्स हुई, उसके अंदर 8 मिलिटेंट्स जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है. 6 मिलिटेंट्स इंक्लूडिंग 2 होल्ड अप इनसाइड द मॉस्क्यू वर किल्ड इन ट्वाइन ऑपरेशंस इन साउथ कश्मीर ऑन फ्राइडे. फ्राइडे को साउथ कश्मीर के अंदर जो है वो कुछ ऑपरेशन हुए, 2 ऑपरेशन हुए, उन 2 ऑपरेशंस के चलते मॉस्क्यू के अंदर छुपे हुए जो 6 मिलिटेंट्स हैं जिसके अंदर 2 होल्डअप भी हैं उनको मार गिराया है. ठीक है, सो इट इज़ अ गुड विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी, बट स्टिल 8 मिलिटेंट्स जो हैं मार दिए गए हैं एंड मुठभेड़ अभी भी जारी है जम्मू कश्मीर में. मैं आपको बता दूं कि पिछले काफ़ी दिनों से LOC एरिया के अंदर काफ़ी इश्यूज और कॉम्प्लिकेशंस जो है पाकिस्तान इंडिया के बीच में देखने को मिल रहे हैं, उसमें भी हमारे कई जवान अब तक शहीद हो चुके हैं. मैं आपको बता दूं ओवरऑल इस साल के इस वर्ष के अंदर 102 जवान जो है भारत अपने गवा चुका है. चाहे हम LOC एरिया ले लें, इंडिया पाकिस्तान का ले लें, या इंडिया चाइना को ले लें, या इंडिया नेपाल को ले लें, वट एवर कुड बी द एरिया, द बेसिक थिंग इज़ वी हैव ऑलरेडी मिस्ड आर 102 मिलिटेंट्स. ओके सोल्जर्स. द नेक्स्ट इज नाउ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मस्ट फॉर दिल्ली केसेस. दिल्ली में जिस तरीके से केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को ज़रूरी कर दिया गया है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि ये सत्संग भवन है राधा स्वामी जी का, इस पूरे एरिया को क्वारंटाइन क्षेत्र के लिए बेड्स के साथ में बना दिया गया है. ओके एंड ईच COVID-19 पेशेंट इन होम क्वारंटाइन हैज़ टू स्पेंड 5 डेज एट फैसिलिटी. जहाँ पे ये पूरी व्यवस्था की जा रही है क्वारंटाइन क्षेत्र की, वहाँ पे जो है हर होम क्वारंटाइन पर्सन को पहले के 5 दिन इन क्षेत्रों में स्पेंड करने होंगे. ओके ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर हैं, और इसके चलते मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्षेत्र जहां पे लग सकता था सरकार को वहां पे बेड्स फैसिलिटी अवेलेबल करवाई गई है हॉस्पिटल्स में, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही थी, और उसके चलते हॉस्पिटल्स में जो फिनेंशियल इश्यूज भी देखने को मिल रहे थे लोगों को, तो वो सारे इश्यूज भी सॉल्व करने की कोशिश की गई. अल्टीमेटली द गवर्नमेंट इज़ नाउ डूइंग समथिंग जो कि आम जन के लिए ज़रूरी है. ओके द नेक्स्ट इज़ पद्मश्री अवार्ड अवार्डी विद्याबेन पासेस अवे. पद्मश्री से विभूषित जो विद्याबेन है वो जो है अब हमारे बीच नहीं रही हैं. उन्होंने पहला बाल भवन स्थापित किया था. सोशल वर्कर और नेशनल अवार्ड विनर है विद्याबेन शाह, जो कि फ्राइडे को अपना शरीर जो है उसे त्याग चुकी हैं अपने ही क्षेत्र, अपने ही रेजिडेंस पर जो कि दिल्ली में है. 98 ईयर्स की थी विद्याबेन. विद्याबेन वॉज द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल टू हेड द न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल इन दी 1970 में न्यू दिल्ली की म्यूनसिपल काउंसिल को हेड करने वाली नॉन ऑफिशियल पहली महिला रह चुकी हैं ये. एंड वॉज ऑल्सो द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ICCW की भी जो है 1976 से 1979 के बीच में तथा 1985 से 1994 के बीच में जो है प्रेसिडेंट रह चुकी हैं. सो ये बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं एक लेडी के लिए जो इतना सब कुछ करके पद्मश्री से अवार्डेड होकर और अब हमारे बीच में नहीं रही हैं. ओके वी विल डेफिनेटली मिस दीज टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ एंड दैट विल डेफिनेटली बी शी विल बी encouraging moment or I can say encouraging person or inspiration for us. Okay, the next news is here religious leaders to be roped in to help infected. Basically
जैसा कि हम लॉकडाउन के चलते देख रहे हैं, कंटिन्यूसली पेरेंट्स ले लीजिए, उनके चिल्ड्रन ले लीजिए, फैमिलीज ले लीजिए, ये जो है इनकी लाइफ जो है इन लॉकडाउन और पेंडेमिक के चलते काफ़ी हम कह सकते हैं खतरे में दिखाई दे रही है ना। इट इज़ इन डेंजरस मोमेंट। व्हाट इट इज़ एंड व्हाई इट इज़, बिकॉज अभी इन दिनों काफ़ी सारे जो है क्राइसिस देखने को मिले हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत लॉकडाउन के चलते काफ़ी डिप्रेशन को हैंडल करते हुए ही कमिटेड टू सुसाइड। अब बेसिकली ये एक पर्सनालिटी थी जो हमारे सामने आ गए बिकॉज वो एक सेलिब्रिटी थी, बट हेयर ऐसे कई सारे सुशांत सिंह राजपूत और कई सारे लोग ऐसे अवेलेबल है हर घर में जो कि हर नए दिन सुसाइड करते हैं, हर अगले दिन सुसाइड हो रहा है। क्यों? उसका रीज़न है सबसे बड़ा डिप्रेशन। लोग घर बैठे हुए और पेंडेमिक को झेलते हुए या कहीं ना कहीं कुछ रिलेशनशिप इश्यूज को लेकर और बहुत जल्दी जो है अपना कंट्रोल ओवर कर जाते हैं, कंट्रोल खो देते हैं और उसी के चलते वो लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। बेसिकली उसके उसी के लिए गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि रिलीजियस लीडर्स जो है अब उनकी बारी है, उनको वर्क करने की ज़रूरत है बिकॉज लॉकडाउन के चलते ऑलरेडी दे आर टू मच फ्री, तो उसके चलते जो नेगेटिव इम्पैक्ट है लॉकडाउन का और पेंडेमिक का उसको ओवरकम करने के लिए रिलीजियस लीडर्स जो है वो अब आगे आएंगे और इस पर कार्य करेंगे। वो फैमिली से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे जो लोग डिप्रेशन में हैं, और उन सारे लोगों की को डिप्रेशन से बाहर निकालते हुए और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं जो सेटिस्फैक्शन या हम कह सकते हैं एक कंट्रोल जो होता है, सेल्फ कंट्रोल, ये जो वर्ड्स है इनको कहीं ना कहीं स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। ओके, पेशेंट्स को ऑलरेडी जो लोग पेशेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, तो पेशेंट से, उनकी फैमिली से और कई लोगों से मिलना, उनके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना और ऐसा कुछ करना जिससे वो आने वाले टाइम में एटलीस्ट सुसाइड कमिट या ऐसा कोई स्टेप ना उठाए जो कहीं ना कहीं उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करें। ओके, सो ऑल दीज विल बी हैपन बाई द रिलीजियस लीडर्स। होप इट विल वर्क एंड डेफिनेटली काफ़ी जाने इससे बचाई जा सकती हैं। ओके, द नेक्स्ट इज इशू अल्टीमेटम टू बीजिंग सेज पंजाब सीएम। पंजाब के सीएम ने कहा है कि बीजिंग को जो है अल्टीमेटम इशू किया जाए। इंडिया कैन नो लॉन्गर अफोर्ड टू अलाउ सच इंस्टीट्यूशंस एंड अटैक्स ऑन हिज टेरिटरी इंटीग्रिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी टू कंटिन्यू। हम इस तरीके से सिर्फ रिलेशंस को मेंटेन करने के चक्कर में अपने देश में से जवानों को शहीद होते हुए नहीं देख सकते। उनकी जान गंवाना हमारे लिए कतई गवारा नहीं है। इवन इस तरीके से कंटिन्यूज अगर जान जाती रही हमारे सोल्जर्स की, तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश की फेल्योर को शो करता है। ये कहना है पंजाब के सीएम का कि बीजिंग को अल्टीमेटम दिया जाए। उन्होंने ये बात केंद्र सरकार से कही है कि जो बीजिंग है उसे अल्टीमेटम दिया जाना चाहिए। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने फ्राइडे को जो है ये स्टेप उठाते हुए ये बात कही है कि जो स्टेप अभी गलवान वैली में उठाया गया है उसके चलते चाइनीज़ लोगों को सीज कर देना चाहिए उस एरिया से, और उसी के साथ बीजिंग को ये अल्टीमेटम दे देना चाहिए कि अगर इस तरह का घटनाक्रम आगे होता है तो अपने जो नुकसान का भुगतान है वो आपको खुद करना होगा और आपके नुकसान के लिए आप खुद उत्तरदेह होंगे। ओके, इट इज़ सेड बाय द पंजाब सीएम। सो समवेयर आई फेल्ट लाइक यस इट इज़ ओके, इट इज़ करेक्ट, और कहीं ना कहीं हमें इसकी ज़रूरत भी है। जिस तरीके से कंटिन्यूसली इस तरह की हरकतें बढ़ती चली जा रही हैं और जो जो घटनाक्रम अभी हुआ है उसको देखते हुए इट इज़ कंपल्सरी टू गो विथ इट। ओके, नेक्स्ट इज़ द ग्रॉस अब्यूज़ ऑफ द मणिपुर मैंडेट। मणिपुर में जो कंडीशन चल रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन, और हम कह सकते हैं कि पार्टीज़ छोड़ना, पार्टीज़ ज्वाइन करना, ये जो कंडीशंस चल रही है ऑलरेडी उसको देखते हुए जो है डिफेक्शन का जो सीनारियो है उसको देखते हुए मणिपुर के अंदर जो है ओवरऑल ग्रॉस अब्यूज़ की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, एडमिट्स द COVID-19 पेंडेमिक अ पैरेलल क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज अनफोल्डिंग इन मणिपुर। मणिपुर में जैसे कि पेंडेमिक के क्राइसिस चल रहे हैं, वैसे एक और नया क्राइसिस बराबरी में आकर खड़ा हो गया है और वो है डेमोक्रेसी के क्राइसिस, है ना। वन विच ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्टेट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन जनरल।
where the mandate of the people decided at periodic elections is increasingly being allowed to be twisted by turncoat elected representatives to serve the end of their unique and grotesque power game. So, endemic can head defection became that a law. The 10th schedule was introduced in 1985. 1985 में 10वां schedule introduce किया गया था 52nd constitutional amendment द्वारा. But when the loopholes in the law were being exploited to make it irrelevant, it was toughened in 2003. मैं आपको बता दूँ कि जो 52nd constitutional amendment के through जो 10th शेड्यूल ऐड किया गया था, जब उसके अंदर जो लूपहोल्स देखे गए, मतलब कमियां देखी गई, काफ़ी इश्यूज देखने के बाद में हमने इसे और भी टफ़ बना दिया गया. द लॉज विल बी मोर टफ इन 2003 एंड इट वाज द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सो दैट्स अ कंट्रीज लीडर हैव टू बी रिस्ट्रेंड does itself a disgrace, but in recent time it is no longer a question of dodging the law but of overturning the very idea of the rule of law by those in power. The Manipur cases illustrate this very well. जो लोग पावर में हैं उनका कितना चल रहा है, डेमोक्रेसी क्या चल रही है और डिफेक्शन के लॉ क्या चाहते हैं, और उसी के चलते ये जो कंडीशन क्रिएट हो रही है 10th शेड्यूल से संबंधित, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, ये कहीं ना कहीं कहाँ आकर स्टैंड करती है, ये चीज़ जो है हमें मणिपुर में देखने को मिल रही है. ठीक है, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म हुई, पॉलिटिशियंस कैसे वर्क कर रहे हैं, अभी क्या सिचुएशन है, इन सारी कंडीशंस को देखते हुए और क्या अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, या अप्स एंड डाउन्स पहले क्या रह चुके हैं जिसके कंडीशंस के या जिसके बेसिस पर अभी जो कंडीशंस है वो चल रही है, तो ये सारी घटनाक्रम जो है, ये सारी सिचुएशन जो है वो अभी मणिपुर में इलेक्शंस के दौरान देखी जा रही है. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट मणिपुर इलेक्शंस, मणिपुर मैंडेट. अब हम बात करेंगे रिवॉल्विंग डोर. इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन डिफेक्शन लॉ. ओके, डिफेक्शन की जो कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है पॉलिटिक्स में, जबकि एंटी डिफेक्शन लॉज एंड काफ़ी लॉज इम्पोज करने के बाद भी जो डिफेक्शंस का सीन देखने को मिल रहा है, इट इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग. नेवर एंडिंग टेल जो है डिफेक्शन की, वो कंटिन्यूज़ होती चली जा रही है, और जिसमें एक नया नाम जो है मणिपुर जुड़ गया है. द पॉलिटिक्स इन मणिपुर हैज़ come under fresh turmoil following the withdrawal of support to the Bharatiya Janata Party led government from MLAs belonging to the National People's Party. NPP से belong करने वाले जो MLA थे उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को फॉलो कर देना, सपोर्ट करना, और कहीं ना कहीं जो है और भी जो दो इंडिपेंडेंट्स हैं और डिफेक्शंस जो देखने को मिले हैं 3 BJP MLAs के, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है काफ़ी जो है डिस्टर्बिंग है, पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है, डेमोक्रेसी को डिस्टर्ब करती है. तो ये पूरा जो आर्टिकल है ये इसी पर बेस्ड है कि किन किन मिनिस्टर्स ने जो है डिफेक्शन को जो फॉलो किया है, किन के कारण ये कंडीशंस आकर खड़ी हुई है मणिपुर की, ये सारी सिचुएशंस यहाँ पे रिवॉल्विंग डोर में बताई गई है कि कैसे मंत्रियों के लिए, MLAs के लिए, मतलब लीडर्स के लिए, मिनिस्टर्स के लिए ये एक जो है बहुत इजी वर्क हो गया, एक रिवॉल्विंग डोर सा प्रतीत होता है कि कभी भी गए कभी भी आ गए एंड घूम फिर के वहीं आ जाओ, कभी भी छोड़ दो कभी भी ज्वाइन कर लो. ये सारी कंडीशंस जो है वो पॉलिटिक्स में देखने को मिल रही है एंड समवेयर इलेक्शंस के टाइम पे ये कंडीशन मैक्सिमाइज हो जाती है ना. सो इट इज़ ऑल अबाउट रिवॉल्विंग डोर. द नेक्स्ट इज इन न्यू लॉकडाउन अ सेकेंड चांस फॉर तमिलनाडु. देखिए नया लॉकडाउन इम्पोज किया गया तमिलनाडु में 19 जून से 30 जून तक के लिए, और काफ़ी टफ जो है उसके साथ में उसको स्टार्ट किया गया है. चेन्नई में देख लीजिए या अदर जो पर्टिकुलर एरियाज़ है, रिलेवेंट एरिया या जो रिलेटेड एरियाज़ हैं चेन्नई से, सारे एरियाज़ में जिस तरीके से कंटिन्यूस जो बढ़ते जा रहे हैं केसेस, स्पाइक अप हो रहे हैं, तो ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये अपने आप में एक चिंता का विषय बन चुका है. उसी के चलते तमिलनाडु सरकार ने ये डिसाइड किया कि हम लोग न्यू
लॉकडाउन इम्पोज करेंगे जो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ में, नॉर्म्स के साथ में फॉलो किया जाएगा। ये लॉकडाउन जो है 19 जून से इम्पोज किया गया है, उसके बाद से ये 30 जून तक अभी फ़िलहाल कंटिन्यू होगा। उसके बाद की कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आगे क्या कंडीशंस रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से कंटिन्यूस केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं एफ़र्ट्स के बाद भी, तो तमिलनाडु सरकार के लिए, तमिलनाडु के मेडिकल स्टाफ के लिए एक नया, हम कह सकते हैं, मौका है जिसके तहत वो अपने केसेस को कंट्रोल करते हुए पूरी तरीके से अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेकर आ सकते हैं। ओके, या हम कह सकते हैं सिचुएशंस को इस तरीके से लाकर खड़ा कर सकते हैं कि वो उनके लिए बेनिफिशियल हो। सो इट वाज ऑल अबाउट तमिलनाडु। द नेक्स्ट इज़ क्राइसिस इन द पेनिनसुला। इट इज़ ऑल अबाउट पेनिनसुलर क्राइसिस US एंड कोरिया के बीच में, और पेनिनसुलर जो कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ कोरिया ले लीजिए आप स्पेशली, साउथ कोरिया, US, इन सब के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं उन सबको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे कि US और कोरियन के बीच में, जो है नॉर्थ कोरिया के बीच में या साउथ कोरिया के बीच में क्या इश्यूज चल रहे हैं, नॉर्थ और साउथ कोरिया में आपस में क्या इश्यूज चल रहे हैं, और ये सारी क्या क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं इनके कंडीशंस या इनके रिलेशंस, तो ये सिचुएशन जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट एडिटोरियल सेक्शन। अब हम देख लेते हैं कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, जो कि इम्पॉर्टेंट, जैसे देखिए नेक्स्ट है, फोर स्टेट्स फेस चैलेंज इन केस फर्टिलिटी। आपको पता है कि कंटिन्यूसली केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, चार पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जिसके अंदर तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैं, जिसके अंदर कंटिन्यूसली केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, डेथ केसेस, डेथ टोल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तमिलनाडु में 41 डेथ्स हुई हैं, जबकि कर्नाटका में 10, आंध्र प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड 465 न्यू केसेस आए हैं एक ही दिन में, वहीं तमिलनाडु में 499 केसेस एक ही दिन में आए हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये चारों स्टेट्स अभी एट प्रेजेंट COVID-19 को लेकर काफ़ी क्राइसिस हैंडल कर रहे हैं और काफ़ी केसेस स्पाइक अप होते चले जा रहे हैं। तो कंडीशंस आर गोइंग वर्स्ट हियर, सो दे शुड, द गवर्नमेंट शुड बी अलर्ट बाय दिस। एंड जो तमिलनाडु ने जो इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है लॉकडाउन का, न्यू लॉकडाउन का, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का, वो कंडीशन, वही स्टेप, इसी तरह के स्टेप्स जो है, या राजस्थान सरकार द्वारा जो मैनेजमेंट को हैंडल, मैनेजमेंट जो अपनाया जा रहा है, जो मैनेजमेंट के थ्रू COVID-19 को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है, ये सारी सिचुएशन से, अदर स्टेट से बहुत कुछ सीखने को होता है, और वो सारी चीज़ें जो है इन चारों स्टेट्स को सीखने की ज़रूरत है जिससे कि कंडीशंस को कंट्रोल में लाया जा सके। ओके, सो जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, उन्हें कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी हो गया है। द नेक्स्ट इज़ लेबरर्स बोर्ड दी रॉन्ग ट्रेन। जैसा कि ये कोई नया केस नहीं है, हम पहले सुन चुके हैं कि लेबरर्स जो है वो बैठते हैं जो फेरी ट्रेन स्टार्ट की गई है उसके अंदर, और अंत में उन्हें पता चलता है कि जहां उन्हें जाना था उसके बिल्कुल अपोजिट आके खड़े हो गए हैं, या अदर स्टेट में, अदर सिटी में, अदर डिस्ट्रिक्ट में आकर खड़े हो गए हैं हम लोग। तो वही सिचुएशन फिर से एक बार देखने को मिली है। जो लोग MP जाना चाह रहे थे, 70 लोग थे, लेबरर्स थे जो MP जाना चाह रहे थे, दिल्ली से रवाना हुई ट्रेन में बैठे थे ये सोचकर कि वो MP अपने होम टाउन्स को जाएंगे, और जब उन्हें पता चला कि ट्रेन जाकर रुकी है, कंडीशंस देखने को मिली, तो तब उन्हें पता चलता है कि ये ट्रेन तो UP आ गई है। तो इस तरह के सिचुएशंस को रेलवे बोर्ड को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा। हम समझ सकते हैं कि जो कंडीशंस जो चल रही है, हो सकता है उसके चलते लेबरर्स को, माइग्रेंट्स को भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो और रेलवे डिपार्टमेंट को भी हुई हो, बट स्टिल दे हैव टू वर्क ऑन इट। ओके, द नेक्स्ट इज़ NGT इंस्पेक्ट्स फुटबॉल ग्राउंड इन केरला। केरला में जो है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जो कमेटी अपॉइंट की गई थी, उसने वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड का निरीक्षण लिया, इंस्पेक्ट किया उसे, कोई इशू है या नहीं है, ये सब चीज़ें देखी। ये पेरियार टाइगर रिजर्व में बनाया गया था बेसिकली, और इसीलिए इस पर कार्य किया जा रहा है अभी, और इसको जो है इस पर परमिशन ली गई, विदाउट परमिशन जो है इस पर कार्य शुरू कर दिया गया है, बनाना, इसे प्लेग्राउंड बनाना। सो इसका निरीक्षण लिया है NGT की टीम ने, एंड दे विल डिसाइड दैट इट विल बी ओके टू क्रिएट अ फुटबॉल ग्राउंड देयर और नॉट। ओके,
द नेक्स्ट इज कांग्रेस ने 2 राज्यसभा सीटें राजस्थान में जीत ली है। वैसे हम जानते हैं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ही है, उसी के चलते उनका ये जो सीट जीतना अपने आप में कोई नई बात नहीं बन जाती है, बट स्टिल कांग्रेस ने अगेन राज्यसभा की 2 सीटें जो है राजस्थान की वो अपने अंडर में कर ली है। ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ वी आर टेकिंग इज अबाउट ट्रंप वॉन्ट्स ऑफ डी कपलिंग फ्रॉम चाइना। चाइना से डी कपल करने की वार्निंग दी गई है ट्रंप द्वारा। हम देख सकते हैं ऑलरेडी ट्रंप और जो जिनपिंग है, या हम कह सकते हैं चाइना और US में काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं इन दिनों। उसी के चलते ट्रंप का ये जो एक्शन है ये क्या कंडीशंस क्रिएट करता है दोनों के बीच में वो देखने को मिलेगा। एंड ये आर्टिकल आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशंस पर बेस्ड है। ओके, द नेक्स्ट इज Here we are taking, skeletal remains of a child found in Tamil Nadu's Kiladi excavation site. Kiladi के जो excavation site है या खुदाई क्षेत्र है वहाँ पर एक बच्चे के skeletal का जो है remains मिले हैं तमिलनाडु के अंदर, and it is quite interesting to go through it. आप ये article पढ़ेंगे and आपको अगर कोई issue फिर भी मिल लग रहा है कि जो आर्टिकल है वो न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं हो रहा है या वॉट एवर कुछ भी, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अचीव IAS उस पर मैं ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ उनके पिक्चर्स अवेलेबल करवाती हूँ। सो यू कैन गो थ्रू दैट चैनल, आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। डेली बेसिस पे मॉर्निंग में न्यूज़पेपर के साथ में आपको वो आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट सारे आर्टिकल्स भी विद हेडलाइंस जो है वहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो यू कैन गो थ्रू इट, आपके लिए ईजी बन जाएगा कि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकें। इसके अलावा मोस्ट ऑफ सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैंने आपको जो आज वर्क दिया है आप मुझे वो भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पहले मुझे कुछ आंसर्स मिल रहे थे बट इन दिनों समवेयर स्टूडेंट्स आर लैकिंग। आप लैक मत कीजिए, एक दिन भी न्यूज़पेपर एनालिसिस मिस करना इट मींस बहुत बड़ा लॉस होना। इसीलिए मैं ओनली एडिटोरियल नहीं लेकर के पूरा न्यूज़पेपर कवर कर रही हूँ, जिससे कि आपको कोई लॉस ना देखना पड़े और मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम न्यूज़ कवरेज हो जाए, है ना। सो यू कैन गो थ्रू इट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स देंगे। उसके अलावा आपको अगर इसकी जो पिक्चर्स हैं वो चाहिए, आर्टिकल्स चाहिए आपको जो इम्पोर्टेंट है, तो वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल अचीव IAS पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।